नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक की देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हवा में आज बार लहराया, टेल जमीन से टकराई। केदारनाथ धाम में शुक्रवार सुबह हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसमें सवार पायलट और 6 यात्री सुरक्षित हैं। ये यात्री सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। हेलीपैड पर उतरने से पहले ये हवा में 8 बार लहराया, टेल जमीन में टकरा गई। पीएम मोदी बोले, हिमाचल सरकार ज्यादा दिन की नहीं, कंगना को भद्दी बातें कहना देवभूमि का अपमान। पीएम मोदी ने हिमाचल के सिरमौर और मंडी में रैली की। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कंगना को जो भद्दी बातें कही वो मंडी व हिमाचल का अपमान है। इसके लिए अब तक कांग्रेस के शाही परिवार ने माफ़ी भी नहीं मांगी है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को 7वें चरण में मतदान होगा। राज्य में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, ईसीआई को बूथ वाइज डेटा अपलोड करने का निर्देश नहीं दे सकते। 5 फेज की वोटिंग हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोड करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है, अब सिर्फ 2 फेज की ही वोटिंग बाकी है। ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। चुनाव बाद रेगुलर बेंच मामले को देखेगी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने यह याचिका लगाई थी। डोंबिवली बॉयलर ब्लास्ट, फैक्ट्री मालिकों पर एफआईआर, आरोपी फरार, अब तक 10 की मौत। महाराष्ट्र के डोंबिवली में केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया है। पुलिस ने केमिकल फैक्ट्री अमुद्दन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों और स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बनाई हैं, तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक कंपनी ने रॉ मटेरियल के स्टोरेज में लापरवाही बरती, जिससे ब्लास्ट हुआ। आजम खान पत्नी और बेटे को हाई कोर्ट से जमानत, आजम की 7 साल की सजा पर भी रोक। सपा नेता आजम खान, उनकी बेटी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। बेटे के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बेटे अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 7 महीने पहले 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि आजम और उनका बेटा अन्य केस में जेल में अंदर ही रहेंगे, सिर्फ तंजीन बाहर आएंगी। IPL का दूसरा क्वालिफायर, राजस्थान ने 2 में से 1 और हैदराबाद ने 3 में से 2 क्वालिफायर 2 जीते। IPL 2024 में आज दूसरा क्वालिफायर मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने प्लेऑफ में 3 बार क्वालिफायर 2 खेले, 2 बार जीत मिली, वहीं 1 मुकाबला गवाया। वहीं रॉयल्स तीसरी बार क्वालिफायर 2 मैच खेलेगी। इससे पहले उन्हें 1 बार जीत और 1 बार हार मिली। आज का मैच जीतने वाली टीम 26 मई को फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। BCCI ने किसी ऑस्ट्रेलियन को कोच का ऑफर नहीं दिया, जय शाह ने खबर का खंडन किया। BCCI सचिव जय शाह ने कहा कि बोर्ड ने टीम इंडिया के हेड कोच के पद के लिए किसी भी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से संपर्क नहीं किया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच जस्टिस लैंगर और पूर्व वर्ल्ड कप चैंपियन कप्तान रिकी पोंटिंग ने दावा किया था कि वह BCCI ने उन्हें टीम इंडिया के कोच बनने का ऑफर दिया है। टीम इंडिया के मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो रहा है। एक्ट्रेस लैला खान मर्डर केस में सौतेले पिता को फांसी की सजा, 13 साल पहले हत्या की थी। एक्ट्रेस लैला खान मर्डर केस में मुंबई की सेशन कोर्ट ने 13 साल बाद फैसला सुनाया। हत्या के दोषी सौतेले पिता परवेज को फांसी की सजा दी गई। परवेज ने 2011 में एक्ट्रेस समेत परिवार के 6 सदस्यों की हत्या कर दी थी। एक्ट्रेस लैला खान ने 2002 में कन्नड़ फिल्म मेकअप में काम किया था। इसके बाद वो राजेश खन्ना के साथ 2008 की फिल्म वफा में नजर आई थी। पापुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइड,
100 लोगों की मौत की आशंका। एक दिन पहले आया था भूकंप। पापुआ न्यू गिनी के काओ कलाम गांव में लैंडस्लाइड से 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक काओ कलाम के पहाड़ से खिसकने से ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि पूरा गांव सो रहा था, इसलिए उन्हें बचने का मौका नहीं मिला। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। यहां एक दिन पहले भूकंप भी आया था। कंबोडिया से 360 भारतीयों का रेस्क्यू। विदेशों में मोटी सैलरी का लालच देकर एजेंट्स ने फंसाया था। भारत ने कंबोडिया से 360 भारतीयों का रेस्क्यू किया है। इन्हें फ्रॉड एजेंसी ने नौकरी का लालच देकर कंबोडिया भेजा था। वहां इनसे साइबर फ्रॉड जैसे काम कराए जाते थे। भारतीय दूतावास के मुताबिक 60 नागरिकों का पहला जत्था वापस स्वदेश लाया जा चुका है। दूतावास ने आगे कहा कि बाकी लोगों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट और अन्य चीजों की जांच की जा रही है और उन्हें भी जल्द ही स्वदेश लाया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। लोकसभा चुनाव के बाद किसके सर पर सजेगा ताज? मोदी सरकार के पिछले 10 साल में देश में कितना हुआ विकास? बिना बात को घुमाए द खबरदार न्यूज आपको दिखाएगा हकीकत। इसमें है जनता का भरोसा, कौन करेगा देश पर राज?